गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू माई व्लॉग। आई एम व्लॉग। आज हम जा रहे हैं अपने धान कटवाने, तो मैंने सोचा व्लॉग बना लेता हूँ इस चीज़ का भी, धान कटवाने का। तो अभी हम निकल रहे हैं, बस मेरे को थोड़ा लेट हो गई इसलिए मैंने गाड़ी से ही शुरू करा व्लॉग, नहीं तो मैं आराम से घर से करता। थोड़ा काम वाम करने में लेट हो गई है, तो अब निकल रहे हैं बस। हमने अपने वंडरलस्ट भाई को कॉल तो कर दिया है, अब देखो अगर वो तैयार हो गए होंगे तो। वैसे तो वो कभी होते नहीं है टाइम पे तैयार, लेकिन क्या पता आज हो गए हों, तो देखते हैं क्या है सीन। और हम निकल गए हैं, अभी मैंने गाड़ी में तेल भराना है, दुकान से अपना चार्जर लेना है, दो तीन छोटे मोटे काम है, उसके बाद हम सीधे निकल ही रहे हैं। और मिलते हैं फिर आपसे रास्ते में। तो गाइस, शुभम तो आ गया था हमारे साथ, और अभी हम गोलू को लेने जा रहे हैं। वो तो अभी उठा ही नहीं है, उसे उठाने फ़ोन कर दिया है उठने के लिए, अब वो उठता है फिर उसको लेके जाते हैं हम। तो गाइस, गोलू के घर की गली पे पहुंच गए, बस थोड़ा सा ही आगे उसका घर भी है, पहुंचते हैं। और भाई सोया हुआ था, अभी उठाया ही है उसे बस। और भाई की यही चीज़ अच्छी है कि उसको उठाओ और ले चलो सीधे, उससे पूछना नहीं पड़ता भाई चलेगा, वो हमेशा तैयार रहता है चलने के लिए। लेकिन अभी दिख नहीं रहा वो, ऐसा क्यों? अभी नींद से उठा नहीं है लग रहा है। ये आ गया गोलू भाई का घर हमारे, अभी छुप गया। ये हमारे गोलू भाई आते हुए, सुपरस्टार गोलू, ये देखिए हमारे सुपरस्टार गोलू की एंट्री होते हुए। ये नींद में बिल्कुल कतई है। तो गाइस, अब हम यहाँ से किरौला फ्यूल स्टेशन से तेल भराते हैं, देखते हैं कितने का तेल आया इसमें। वैसे तो है अभी तेल, लेकिन फिर भी भरा लेते हैं, आधी टैंकी तो है ही, अभी तो आना जाना आराम से करेगी, इसका एवरेज अच्छा है, लेकिन फिर भी भरा ही लेते हैं। तो गाइस ये देखिए, 28 लीटर आ गया तेल, और अब हो चुकी है टैंकी फुल अपनी। तो भाई, और रामनगर पहुंच गए हम, ये नया पुल बना है जो रामनगर का वो है, और अब जाते हैं सीधे काशीपुर को। यहाँ से सीधे काशीपुर को ही निकलते हैं, काशीपुर से पहला केला मोड़ आता है, वहीं को काटना है हमने, तो वहीं का रास्ता दिखाएंगे आपको। थोड़ी ऑफ रूटिंग है, तो आज हम फिएस्टा से ऑफ रूटिंग करेंगे, नीचे गाड़ी से ऑफ रूटिंग। तो गाइस, ये केला मोड़ से हमने ले लिया लेफ्ट, अब यहाँ से हमने सीधे ही जाना है अभी तो। और ये रास्ता, अब हमारी ऑफ रूटिंग शुरू हो गई है भैया फिएस्टा से, अब बस आराम आराम से ही चलानी पड़ेगी, नहीं तो टिक जाएगी नीचे। अब तो फिर भी मेरे को रास्ता थोड़ा सही लग रहा है इन्होंने, क्या पता भरा ना रन करा हो। यहाँ स्टोन क्रेशर बहुत है ना, तो उसके ट्रक चलते हैं यहाँ बतेरे, तो ट्रक की वजह से ये रास्ता ख़राब हो ही जाता है। क्या कहते हैं उसे, ईंटों का खड़ंजा बनाते हैं, वो भी धूल बन के उड़ जाता है यहाँ। देखिए ट्रक आपको यहीं से स्टार्टिंग मोड़ काटते ही ट्रक ही ट्रक दिखने लग गए, देखिए दो दो ट्रक खड़े हैं आगे, और दिखेंगे आगे, ये देखिए। गाइस, अब हम पहुंचने वाले हैं अपने फार्म पे। एक रास्ता यहाँ से भी आता है, लेकिन ये रास्ता कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, इसमें ज़्यादा ट्रक चलते हैं। जहाँ से हम आए वो रास्ता पक्का ही है, मतलब कम गड्ढे हैं उसमें, पक्का तो क्या गए हैं मुझसे भी गड्ढे कम हैं जरा उसमें। ये देखिए, यहाँ जहाँ तक नज़र जाएगी वहाँ तक आपको खेती दिख, अरे यहाँ को तो पेंसिल हुई है क्या बन रही है। तो ये देखिए गाइस, हम फार्म पहुँच रहे हैं, कंबाइन लगी हुई है यहाँ, देखते हैं कि क्या काम चल रहा है क्या नहीं चल रहा। और अपने कुत्ते भी दिखेंगे अभी यहाँ, हमने 3 कुत्ते भी पाल रखे हैं यहाँ, तो चलिए आप अंदर जाके मिलते हैं आप। तो गाइस, हम तो यहाँ ट्रैक्टर में बैठ गए हैं, देखिए 4x4 में अपने नए ड्राइवर साहब चला रहे हैं ना, ये अपने गोलू बदमाश, और बाकी कंबाइन रुक गई थी जरा, फिर चालू हो गई है। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है काटने में, तो टाइम तो लगेगा ही, थोड़ा टाइम वाला काम है, क्योंकि ये भी पूरा कटना है, और वो जहाँ तक धान दिख रहे हैं वहाँ तक पूरा काटना ही है। यहाँ भी जहाँ तक धान दिख रहे हैं वहाँ तक पूरा काटना ही है पेड़ों का। तो गाइस, ये दूसरा टैंक खाली हो रहा है कंबाइन का, एक टैंक तो हो गया था खाली, अब ये दूसरा टैंक हो रहा है खाली, तो
दिखाते हैं आपको कैसे होता है। देखिए कंबाइन का टैंक खाली अभी होगा, देखिए खाली, ये देखिए गाइस टैंक खाली होना चालू हो गया है। और देखिए एक टैंक में से कितना निकलता है, कंबाइन फेंकने लग गई है, ऑटोमेटिक होता है ये, बस यहाँ थोड़ा सेट करना पड़ता है ताकि आ जाए आराम से। देखिए आज हम ट्रैक्टर की सवारी कर रहे हैं मोनू भाई को और शुभम भाई को आराम में, और ये ट्रैक्टर के गियर तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहे हैं। अब मोबाइल भी पकड़ा भाई मैंने। गेर नहीं पड़ पा रहे यहाँ पे, देखिए ये देखिए गाइस एक डॉगी ये है हमारा, दो वहाँ बैठे हैं, हो गया। तो अभी हम गाड़ी यहाँ लाने की सोच रहे हैं फिएस्टा को, ये ट्रैक्टर शायद से हटाना पड़ेगा तभी आप आएगी, बस एक यहाँ पर बड़ा है यहाँ पर लग जाएगी शायद। गाड़ी दिखाता हूँ आपको, तो ये जो दिख रहा है ना ये थोड़ा गहरा है, यहाँ पर लग सकती है गाड़ी, अगर यहाँ पर मिट्टी उट्टी कुछ भर जाएगी तो आ जाएगी यहाँ तक गाड़ी अंदर तक, तो देखते हैं आती है नहीं आती क्या होता है। बाकी ये कटी गए हैं लगभग थोड़ा ये रह गया है, और ये तो अभी रह गया है नीचे की साइड, तो ऊपर की साइड भी रह गए हैं यार अभी तो रही थोड़े बहुत। तो गाइस देखिए हम गाड़ी अंदर डालने की सोच रहे हैं, ट्राई करते हैं, पता नहीं अभी जाएगी नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो मेन स्टार्टिंग है ना यहाँ पर बहुत डाउन है, तो डाउन से अंदर जाना नहीं जाना, जा पाएगी नहीं जा पाएगी आई डोंट नो, तो लेट्स ट्राई। टच हो रही है, लगेगी ठंड खराब है, ला टच हो जाएगी यार, टच हो जाएगी यार, देख टच हो जाएगी ना, ला हो जाएगी भाई। एक गाड़ी नहीं निकाली जा रही है लोगों से, और खुद को कहते हैं ड्राइवर, तुम हो स्क्रू ड्राइवर क्योंकि तुम हर चीज करते हो स्क्रू। ये देखिए भाई गाड़ी को निकालने में कितना कष्ट हो रहा है, देखिए बिल्कुल चिपक जा रही है, चिपकू गाड़ी है ये देखिए बिल्कुल। गाइस आखिरकार गाड़ी आई गई अंदर, बड़े मुश्किल से पसीने निकल गए गाड़ी लाने में, भैया हालत ख़राब हो गई थी, टच होने की डर लग रही थी ना गाड़ी, इतनी हम समझते हैं उतनी भी नीची नहीं है, आराम से आ गई वहाँ से। देखिए भाई लोग मंजी में चिल कर रहे हैं यहाँ, अब तो गाड़ी भी यहीं आ गई है, अब तो पूरा फार्म हाउस वाली फीलिंग आ रही है, सामने कंबाइन लगी पड़ी है, यहाँ चिल हो रहा कतई। देखिए वहाँ को देखिए, ये भैंस हो रही है वो एक खा रही है। तो गाइस यहाँ धान सब कट चुके हैं, ये देखिए पूरा फील्ड बन गया अब तो, और ये देखिए इतने हो गए हैं ये ट्राला भर के, ऊपर तक आ गए हैं धान। गाइस पानी हमारे पास था नहीं, हमारे पास खाली बोतल थी, तो अब हम नेचुरल पानी भरने जा रहे हैं, यही पियेंगे अब, देखता हूँ इसमें आ रहा है नहीं आ रहा है, अभी हैंडपम्प का पानी पीते हैं। तो गाइस अब वापस गाड़ी निकाल रहे हैं हम यहाँ से,
बाहर मिलते हैं आपसे, धान वान तो कट गए हैं सब। तो गाइस अब हम निकल गए हैं फार्म से, इनके गेहूं की तैयारी हो गई शायद, सभी गेहूं को इनके इसमें। अब जाते हैं कुछ खाने के लिए, सुबह से भूखे हैं हम सब। भाई ने भूखा रखा है सुबह से, सुबह से भूखा रखा है। नमकीन और अमरूद खिलाए इनको फार्म में, एक अमरूद था उसके भी तीन हिस्से करके खाए। अच्छा, जो दूसरा लिया तूने जो बड़ा वाला, वो भी नहीं खाया यार भाई। यार उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, तुमने अभी नहीं खाया, मैंने तो अपनी साइड से दे ही दिए ना। क्यों? तो गाइज अभी हम कुंडेश्वरी में हैं, ये दुर्गा स्वीट्स में, यहाँ से हम समोसे खाते हैं। भाई बड़े बढ़िया समोसे बनाते हैं, हम जब भी आते हैं यहाँ से जरूर खाते हैं समोसे। और ये देखिए पीछे चौराहा है, चौराहे कैसे दिखाऊँ आपको, यहाँ से दिख जाएगा शायद से चौराहा, वो देखिए ये चौराहा है। ये चौराहे से हम मुड़ के आए, और हमने अभी जाना भी इसी रास्ते में जहाँ से आए हैं, यहाँ से जाएंगे काशीपुर होते हुए। गाइज अपने समोसे आ गए, देखिए शुभम भाई भी चालूंगा, गोलू भाई भी चालूंगा, मैं हरी चटनी नहीं लेता हूँ, मैं भी चालूंगा। खाते हैं फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइज मैं कल घर पहुंच गया था, थोड़ी देर हो गई थी तो मैं वीडियो भी नहीं बना पाया, एंड भी नहीं कर पाया, मैं बहुत थक गया था एक्चुअली, क्योंकि वहाँ बहुत भागा दौड़ी हो जाती है जब धान वान कटते हैं अपने फार्म में। तो अब बाकी आपको वीडियो में दिख ही जाएगा मैंने दिन भर में क्या क्या किया वहाँ। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और इसे प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और ऐसे ही अपना सपोर्ट और प्यार बनाते रहिए।